राज्य में जब हनुमान चालीसा और मस्जिद पर बहस चल रही थी तब दिग्रस में हिंदू मुस्लिम एकता का दर्शन हुआ। रमजान ईद और अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मुस्लिम शिव जयंती उत्सव समिति और अमन शांतिदूत परिवार की पहल पर हिंदू भाइयों को हनुमान चालीसा, अजान और नमाज की किताबें वितरित की गई। दिग्रत में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर संकट मोचन हनुमान मंदिर के सामने हनुमान चालीसा और नमाज की किताबों का वितरण किया गया। दिग्रत संतों की भूमि है, यहाँ अक्सर हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। श्री रामनवमी, शिव जयंती, भीम जयंती, रमजान ईद, ईद मिलाद, श्री गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव जैसे कई त्यौहार यहाँ हिंदू मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राज्य में मस्जिदों पर अजान को लेकर विवाद चल रहा है, नहीं तो वहाँ हनुमान चालीसा का आयोजन होगा। इससे पूरे राज्य में तनाव का माहौल है। एक और हनुमान चालीसा और अजान का उपहार और दिग्रज में हिंदू भाइयों को जो नमाज है वह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इस अवसर पर पूर्व महापौर और भाजपा तालुका अध्यक्ष रविंद्र अरगड़े, पूर्व उप महापौर अजिंक्य मत्रे, शिवसेना शहर प्रमुख राहुल देशपांडे, पूर्व नगर सेवक किशोर साबू, केतन रत्न पारखी, विनायक दुधे, संजय चोपड़े, गोपाल शाह और विष्णु पाटिल उपस्थित थे। इस मौके पर मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना की। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।